हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नुपुर, आई लव गार्डनिंग से। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट, लार्क स्पूर का प्लांट, जिसे हम डेल्फिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसको लार्क हील या लार्क क्लॉ के नाम से भी जाना जाता है, उसे नाइट स्पूर भी कहा जाता है। वैसे तो इसके फ्रेंड्स बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं, ब्लू, बैंगनी, लेवेंडर, पिंक, रेड, वायलेट, बहुत सारे कलर होते हैं। बट मैंने इसका मिक्स सीड का पैकेट मंगाया था, जिसमें से मुझे बस यही कलर मिले। तो आज हम जानेंगे कि लार्क स्पोर की देखभाल कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लार्क स्पोर जो है फ्रेंड्स, इसकी 300 प्लस प्रजातियां होती हैं। तो ये आपको अलग अलग साइज में और थोड़े से फ्लावर के डिफरेंस के साथ ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिलता है। मेरे पास ये सिंगल और डबल में है। इसके और भी बहुत सारी वैरायटीज आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और ये रैनन्कुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये अफ्रीका के ट्रॉपिकल जो माउंटेन्स हैं वहाँ का नेटिव है, तो इसे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर पसंद होता है। और इंडिया में ये विंटर में ही ग्रो करता है। ये जो है फ्रेंड्स, एक फुली आउटडोर प्लांट है, इंडोर इसे ग्रो नहीं किया जा सकता। और अगर इंडोर आप ग्रो करेंगे भी तो इसमें केवल लीव्स आएंगी, इसमें जो बर्ड्स हैं, कलियां हैं, वो नहीं बनेंगी, ना ही फ्लावरिंग होगी। और एक एनुअल प्लांट है। कई जगह पे इसे, इसकी जो कुछ प्रजातियां होती हैं, उसे साल में दो बार भी कट करके ग्रो किया जाता है। बट इसकी जो ये वाली प्रजाति है, ये साल में एक ही बार ग्रो होती है, यानी कि एनुअल है। बात की जाए अगर फ्रेंड्स इसके लिए सॉइल की, तो लार्क स्पोर जो है वो एक हेल्थी सॉइल में ग्रो होता है। रिच सॉइल चाहिए, तो इसमें फर्टिलाइजर अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आप इसके लिए सॉइल बना रहे हैं, पॉट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें एक भाग सैंड रखें, एक भाग सॉइल रखें और दो भाग इसमें कंपोस्ट मिलाएं। अब आप इसमें काउडर कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। बात की जाए अगर फ्रेंड्स लार्क स्पोर में सनलाइट की, तो एक फुल सनलाइट का प्लांट है, बट विंटर की। इसे विंटर की 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आप देख रहे हैं इसकी लीव्स जो हैं बहुत पतली पतली हैं, और फ्लावर की पैटर्न्स भी जो होती हैं वो बहुत हल्की सॉफ्ट सी होती है, तो पेपर की तरह होती है, तो बहुत जल्दी मुरझा जाती है अगर इसमें तेज़ धूप डायरेक्ट पड़ जाए। तो इसे विंटर की 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए है। अगर आप इसे कम सनलाइट देते हैं तो ये बहुत धीरे ग्रो होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और फूल भी बहुत धीरे बनते हैं। इसमें वाटरिंग के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि इसकी जो लीव्स हैं उन पे या फ्लावर्स पे पानी ना घिरे। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, तो इसकी सॉइल ज़्यादा सूखने ना दें। अगर ज़्यादा सूखेगी तो ये पेड़ मुरझा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है लंबी लंबी पतली पतली टहनियों के रूप में बढ़ते हैं, तो इसमें धार से पानी बिल्कुल ना डालें। आप इसके जो सॉइल है उसमें पानी डालें धीरे से। और अगर आप इसमें मॉर्निंग में वाटर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि दिन भर फिर इसकी जो लीव्स हैं वो मुरझाती नहीं हैं। बात करें अगर फ्रेंड्स लार्क स्पोर के ग्रोइंग सीज़न की, तो ये विंटर में ग्रो होता है। इसका ग्रो होने का टाइम सेप्टेम्बर अक्टूबर से लेके अप्रैल तक रहता है। आप इसके सीड सेप्टेम्बर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं, उस टाइम में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। और इसका फ्लावरिंग टाइम जो रहता है फ्रेंड्स, वो दिसंबर से मार्च अप्रैल तक रहता है। मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्ट में इसके प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसमें प्रूनिंग फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी पेस्ट और डिसीज़ का अटैक होता है, उसके लिए भी आप इसके लिए यूज़ करते हैं प्रूनिंग। बाकी इसमें खिल चुके फूल और पुरानी पत्तियाँ या जो बीमार टहनियाँ होती हैं उन्हें आप काट के निकालते रहें। बात की जाए इसमें सीडलिंग की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल में ये प्लांट सूखने लगता है, उससे पहले ही इसमें जो है वो सीड बन जाते हैं। छोटी छोटी फलियाँ जैसी बनती हैं, उनको कलेक्ट करके आप रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सीड हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ड्राई एटमॉस्फेयर हो, मॉइस्चर बिल्कुल ना हो एयर में, नहीं तो सीड खराब हो जाते हैं। इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है अच्छे से फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट जो है वो रिच और हेल्थी सॉइल पसंद करता है।
तो आप ध्यान रखें कि इसमें फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम देते रहें, जिससे इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स आप इसमें एनपीके दे सकते हैं। हर 15 दिन में एनपीके 15-15-15 या 10-15-15 एक टेबल स्पून आप 1 लीटर पानी में घोल के आप प्लांट को दे दें। इसके अलावा आप इसमें हर 30 डेज में 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट दें। बाकी आप इसमें अलग से और खाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोटास मिलती है मार्केट में, मस्टर्ड केक होता है, या आप किचन वेस्ट से भी कंपोस्ट खाद बना के प्लांट्स को दे सकते हैं, वो भी प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। बात करें अगर इसमें पेस्ट और डिसीज़ की फ्रेंड्स, तो इसमें पेस्ट और डिसीज़ का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। पेस्ट में इसमें फ्रेंड्स स्लग्स, स्नेल्स, लीफ हॉपर, लीफ माइनर, बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता है, जिसमें फ्लाइज का भी अटैक हो जाता है। और डिसीजेज में इसमें बैक्टीरियल, स्टेम रूट, क्राउन रूट, पॉटरी मिल्डो, डाउनी मिल्डो, बहुत सारी डिसीजेज भी अटैक करती हैं। तो आप इसमें ध्यान रखें, खासतौर पर जब मौसम चेंज हो रहा हो उस टाइम में आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि मोस्टली जो पेस्ट का अटैक होता है वो उसी टाइम पे होता है। और वैसे भी आप इसमें देखते रहें, अगर आपको प्लांट इन्फेक्टेड लग रहा है कहीं से भी आप, तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, पानी में घोल के नीम ऑयल। और अगर आपको कोई प्लांट का एक पार्ट इन्फेक्टेड दिख रहा है, तो आप उसे काट के जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसे मिट्टी में गहराई में गाड़ दें, जिससे जो है वो बाकी प्लांट पे जो है फैलेगा नहीं। आपके यहाँ नीम ऑयल अवेलेबल नहीं होता हो तो मार्केट में और भी जैविक कीटनाशक आते हैं, हॉर्टिकल्चर ऑयल्स आते हैं, आप इजीली जो प्लांट शॉप होती है जहाँ पे सीड्स मिलते हैं उनसे पता करके आप ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट नीम ऑयल जो है वो आपके पौधों को नुकसान नहीं करता है, तो अगर नीम ऑयल मिले तो आप नीम ऑयल का यूज़ ही करें। बात करें अगर फ्रेंड्स लार्ज स्पोर में प्रोपिगेशन की, तो इसमें बाय सीड प्रोपिगेशन होती है। तो बाय सीड से ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसका पॉट या सीडलिंग ट्रे जो भी आप ले रहे हैं वो पहले से तैयार करके रखें, और उसका जो वाटर का ड्रेनेज होल होता है वो पूरी तरह खुला हो, पानी रुक नहीं रहा हो। तो आप पॉट में सॉइल बनाने के लिए 2 भाग कंपोस्ट लें, 1 भाग सैंड लें, 1 भाग सॉइल लें, उसे अच्छे से मिक्स करें और पॉट में भर के रख दें। सीड लगाने के लिए आप उसमें हल्के से सीड को स्प्रिंकल करें, और ऊपर से आप उसमें हल्के से रेयर मिट्टी के लगा दें और पानी का स्प्रे दे दें, और उसे हल्की धूप में, बहुत तेज़ धूप में नहीं, हल्की धूप में रख दें। 2 से 4 वीक में फ्रेंड्स सीड अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं, और जब वो 6 से 8 इंच के हो जाएं फ्रेंड्स, तब आप उन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे छोटे पे ना करें, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं। एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो 9 इंच के पॉट में 1 और 12 इंच के पॉट में 2 पौधे लगाएं, और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो 2 पौधे के बीच में 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी रखें, क्योंकि ये पौधे जो हैं थोड़े चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, तो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी अगर आप बहुत ज़्यादा घना उन्हें बो देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी मेरी लार्क स्पोर प्लांट के बारे में। इसके फ्लावर्स जो हैं फ्रेंड्स, आप कट फ्लावर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं बुके में लगा के देने के लिए, या फिर आप इसे अपने घर में गुलदस्तों में सजा के रख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसमें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो प्लांट से रिलेटेड या किसी खास प्लांट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।